एक आदमी है, उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। अब आप उसको कहते हैं कि वो तो बहुत बड़ा नेशनल हीरो है, वो हीरो है कि क्या है, आप जरा सोचिए कि जो आदमी हमारे दुश्मन देश की कंपनियों का पानी बिकवाने का धंधा करे वो हीरो है कि विलेन, अभी ये तय करना बाकी। आप देख लो कि सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा जाहिरात करता है पेप्सी की, और दूसरे नंबर पर अगर उसको समय मिला तो सबसे ज्यादा जाहिरात करता है कोलगेट की, कोलगेट भी अमेरिकन कंपनी, और तीसरे नंबर पर समय मिला तो वो जाहिरात करता है वीजा पावर की, वीजा भी अमेरिकन कंपनी। माने चुन चुनकर अमेरिकन कंपनियों की जाहिरात हमारे देश का सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर करता है, उसको हम कहते हैं वो राष्ट्रीय खिलाड़ी है। वो राष्ट्र का खिलाड़ी है कि अमरीकी कंपनियों का एजेंट? हमने तो उसको क्रिकेट खेलने के लिए बनाया, वो तो धंधा बढ़ा रहा है अमरीकी कंपनियों का एजेंट, और उसी के पद चिन्हों पर दूसरे लोग चल रहे हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन भी कर रहा है पेप्सी का जाहिरात, अजय जडेजा भी कर रहा है हेड एंड शोल्डर का जाहिरात, वो भी अमरीकी कंपनी, सौरभ गांगुली भी करता है, विनोद गांगुली भी करता है। और मैंने क्या देखा है कि जितने हमारे बैट्समैन हैं वो सब पेप्सी की जाहिरात करते हैं, और जो बॉलर्स हैं वो कोका कोला की जाहिरात करते हैं। बॉलर्स में सबसे ज्यादा कोका कोला की जाहिरात करता है अनिल कुंबले, दूसरे नंबर पर जवागल श्रीनाथ, तीसरे नंबर पर अजीत आगरकर। तो बॉलर सब कोका कोला के हैं, बैट्समैन पेप्सी कोला के हैं, भारत का कोई नहीं। आप सोचते हो ये भारत के लिए खेलते हैं, कोई भारत के लिए नहीं खेलता, सब पैसे के लिए खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर को पेप्सी कोला कंपनी साल में 1 करोड़ रुपए देती है, अनिल कुंबले को कोका कोला कंपनी साल में 50 से 60 लाख रुपए देती है, और इसी रेंज में सब खिलाड़ियों को मिलता है। तो ये पैसे के लिए खेलते हैं, कोई राष्ट्र के लिए नहीं खेलता, और ये लोग राष्ट्र के लिए खेलते नहीं हैं, इससे बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए अभी इस देश में कि ये सब लोग हैं जो अमरीकी कंपनियों का धंधा बढ़ाने के काम में लगे। इनके साथ साथ कुछ और लोग भी हैं, जैसे शाहरुख खान, जैसे करिश्मा कपूर, ये शाहरुख खान भी पेप्सी का जाहिरात करता है, करिश्मा कपूर भी कोका कोला का जाहिरात करती है। तो ये सब लोगों को राष्ट्र की कितनी चिंता है या कितने ये राष्ट्र विरोधी हैं, आप खुद तय करिए। मैं आपको सिर्फ एक सबूत पेश कर रहा हूं। आपने अभी देखा कारगिल का संकट हुआ, कारगिल के संकट में आपने ये भी देखा होगा कि हिंदुस्तान के गांव गांव से गरीब आदमी ने कुछ ना कुछ देश के लिए दान किया, किया कि नहीं किया? मुझे तो खुद मालूम है, क्योंकि कई शहर में मैंने इकट्ठा किया पैसा हमारे आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं की मदद से, हमने भी भेजा वहां जितना हमसे बन पड़ा। तो एक जगह तो मैं घूमता था छत्तीसगढ़ के इलाके में, ऐसे ही एक शहर में पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो मेरी आंख में एक दिन पानी आ गया, मैंने देखा कुछ भिखारियों ने जितनी भीख मांगी थी सब डाल दिया। माने जो रोटी खाने के लिए उन्होंने कहीं से भीख मांगा था वो पैसा भी कारगिल निधि में डाल दिया उन्होंने कि ये भेज दो, इससे बड़ा हमारा और क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है देश के लिए। इतने जिंदा दिल भिखारी, लेकिन दिल के कितने अमीर। उनके पास तो वही एक सहारा, रोज मांगना रोज खाना, रोज कुआ खोदना रोज खाना, और दे दिया सब पैसा। तो मैंने कहा आज का भोजन कैसे करेंगे, उन्होंने कहा नहीं करेंगे एक दो दिन भोजन। इतने दिल के बड़े लोग हैं ये सब, जिनको हम भिखारी कहते हैं। एक ऐसे भी जगह मेरी आंख में आंसू आए, एक 3.5 साल का लड़का, हम ऐसे सड़क पे गुजरते थे मानते हुए कि कारगिल के लिए जिसको दान करना है वो करे, तो एक 3.5 साल का लड़का अपने घर के अंदर गया, अपनी गुल्लक लेकर आया, गुल्लक समझते हैं जिसमें पैसा रखते हैं, उसने कहा इसको तोड़ लो और इसमें जितना मिले तो वो सब कारगिल में भेज। तो उसी के सामने हमने उसकी गुल्लक तोड़ी मिट्टी की, तो उसमें कुछ 1100 रुपए निकले, उसने सब दे दिए 3.5 साल के बच्चे की। आप चेतना देखिए राष्ट्र के बारे में। मैंने उस बच्चे को एक ही प्रश्न किया कि ये पैसे तुमने किस लिए जमा किए थे, उसने कहा अंकल मैं इसकी साइकिल खरीदने वाला था। तो मैंने कहा अब तो तुम्हारी साइकिल नहीं आएगी, तो उसने कहा ठीक है नहीं आएगी, ये पैसा कारगिल भेज दीजिए। और उसके मां और बाप को बहुत गौरव महसूस हुआ कि हम शायद 100 रुपया देते या 200 देते या 500 देते, हमारे बेटे ने पूरी गुल्लक दे दी। तो
तो 3.5 साल का बेटा हो या हिंदुस्तान का गरीब से गरीब आदमी, 90 साल का बुजुर्ग हो या कोई नौजवान, सबने कुछ ना कुछ दिया। लेकिन आपको मालूम है सचिन तेंदुलकर ने क्या दिया, विनोद कांबोली ने क्या दिया, अजय जडेजा ने क्या दिया, शाहरुख खान ने क्या दिया, करिश्मा कपूर ने क्या दिया, इन लोगों ने क्या दिया कारगिल के लिए? कुछ नहीं दिया। अपने खीसे में से निकालकर, अपने घर में से निकालकर एक पैसा नहीं दिया। आप जानते हैं ये सब करोड़पति लोग हैं, इन्होंने करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के नाम पर इकट्ठा किया है। उसमें से अगर 2, 5, 10 करोड़ भी ये देते तो इनके घर में कोई कमी नहीं होने वाली थी, लेकिन नहीं दिया। जब इनके ऊपर दबाव पड़ा कि कारगिल में कुछ ना कुछ देना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो इन सब लोगों ने मिलकर क्या किया कि चलो एक फुटबॉल का मैच खेलेंगे और फुटबॉल के मैच में टिकट बेचेंगे और उस टिकट की जो बिक्री होगी उसका जो पैसा आएगा उसमें अपने मैच का खर्चा निकालकर जो बचेगा वो कारगिल दे। तो मैच हुआ दिल्ली में, आप सब जानते हैं, एक तरफ फिल्म स्टार, दूसरी तरफ तो ये क्रिकेट प्लेयर। तो मैच में टिकट किसने खरीदा? उन लोगों ने जो खुद भी कारगिल में दान कर रहे थे, हमारे जैसे आप जैसे ही लोगों ने तो टिकट खरीदा। तो टिकट का पैसा तो उनके खीसे का था जो पहले भी दे चुके थे कारगिल के लिए, इन्होंने अपनी जेब से निकालकर क्या दिया देश के लिए? तो आप सोच लीजिए ये कितने राष्ट्र के लोग हैं और हम इन्हीं के लिए माथामारी करते हैं, और ये कितने निकृष्ट और घृणित किस्म के लोग हैं। थोड़े दिन पहले कपिल देव ने कहा कि पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, चलो अकल तो आई। लेकिन अब क्या बोल रहा है? अब कह रहा है कि चूंकि युद्ध खत्म हो गया है तो पाकिस्तान से मैच खेल लेना चाहिए। मतलब क्या है कि मैच होगा तो सबका हिस्सा उसमें बनेगा, मैच होगा तो पेप्सी कप होगा या कोका कोला कप होगा या विल्स कप होगा, और जो भी कंपनी मैच को स्पॉन्सर करेगी वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए रखेगी, तो किसी खिलाड़ी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, कपिल देव को कुछ नहीं मिलेगा तो एक्सपर्ट कमेंटेटर के रूप में तो बुलाया ही जाएगा, तो उसमें 10-20 लाख तो मिल ही जाएगा, इसलिए मैच खेल लो। और इन खिलाड़ियों की आप राष्ट्रभक्ति की पहचान करें तो करिए कि जिस समय हमारे देश के जवान पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ अपने जमीन का एक एक इंच बचाने के लिए सीने पर गोलियां खा रहे थे, उस समय हमारे क्रिकेट खिलाड़ी इंग्लैंड में पाकिस्तानियों से मैच खेल रहे। अगर इनमें थोड़ी भी राष्ट्रभक्ति होती और थोड़ी भी देशराज की भावना होती तो जिस दिन भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते और कहते कि ये मैच संभव नहीं, हम इंग्लैंड में खेलें विश्व कप या ना खेलें, लेकिन ये हमारे राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न है, हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रश्न है, ये मैच संभव नहीं है भारत पाकिस्तान का। आपको जो करना करिए, आप हमारी टीम को डिबार करना चाहते हैं कर दीजिए, हमारी टीम को ग्रुप 6 में से निकालना हो तो निकाल दीजिए, हम मैच नहीं खेल सकते क्योंकि राष्ट्र के स्वाभिमान से बड़ा तो कोई मैच नहीं होता दुनिया में, राष्ट्र की अस्मिता से बड़ा तो कोई मैच नहीं होता पूरी दुनिया में। लेकिन किसी ने नहीं कहा, पाकिस्तान से बाकायदा मैच हुआ और मैच खत्म हुआ, उसके बाद और मैच हुआ वो भी खत्म हुआ, और जब ये पक्का हो गया कि हिंदुस्तान की टीम अब सुपर 6 में हार गई है और झोली डंडा लेकर वापस आने वाली है, तब इनमें कारगिल प्रेम पैदा हुआ। उसके पहले कहां था? मैच चूंकि खत्म हो गया और कुछ काम नहीं था, धंधा नहीं था, तो कारगिल प्रेम पैदा हो गया। ये तो सब आर्टिफिशियल है, बनावटी। ऐसे हमारे देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं या ऐसे हमारे देश के स्टार्स हैं जिनको आप एक्टर एक्ट्रेसेस कहते हैं, ये तो सब राष्ट्र की बर्बादी के काम में लगे हुए लोग हैं, इनको तो राष्ट्र का हीरो कैसे कहें, ये तो टॉप मोस्ट विलेन है। और दुर्भाग्य क्या है हम सब लोगों का कि इन्हीं विलेनों की फोटो हमारे घरों में मिलती है, वो शाहरुख खान की भी फोटो मिलेगी, जूही चावला की भी मिल जाएगी, करिश्मा कपूर की भी मिल जाएगी, सचिन तेंदुलकर की भी मिल जाएगी, मोहम्मद अजहरुद्दीन की भी मिल जाएगी, अजय जडेजा की भी मिल जाएगी। हमको तो अकल ही नहीं है और हमको ये भी समझ में नहीं आता कि कौन राष्ट्र का दुश्मन है और कौन राष्ट्र का दोस्त है, हम तो अपने पराये का भेद भी खत्म कर गए, ये भी नहीं समझता कि किसकी फोटो होनी चाहिए किसकी नहीं होनी चाहिए। और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ क्या हुई कि ये पेप्सी कोला कोका कोला विल्स कंपनियों की जाहिरात करने के लिए जो क्रिकेट का खेल होता है, ये क्रिकेट का खेल किसी राष्ट्र के लिए नहीं हो रहा। ये गलतफहमी में आप मत रहिए कि राष्ट्रों की दोस्ती बढ़ाने के लिए क्रिकेट का खेल हो, कुछ नहीं, कंपनियों की जाहिरात करने के लिए क्रिकेट का खेल है,
बिक्री बढ़ाने के लिए क्रिकेट का खेल है, इसलिए पेप्सी कप होता है, कोका कोला कप होता है, विल्स ट्रॉफी होती है, इंडिया कप आपने कभी सुना, भारत ट्रॉफी कभी सुना है, भारत कप आपने सुना है कभी क्रिकेट में होता, क्यों नहीं होता? पेप्सी कप है, कोका कोला कप है, विल्स ट्रॉफी है, तो इंडिया कप क्यों नहीं हो सकता, भारत कप क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनको राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं, इनको सिर्फ पैसा चाहिए, खेल के बहाने से आए या सिनेमा के बहाने से आए या किसी और तरीके से आए, पैसा पैसा पैसा, पैसे के लिए मर रहे हैं सब, कुछ राष्ट्र के लिए इनके दिल में। और मुझे तकलीफ उससे भी बड़ी क्या हुई कि इन्हीं के चक्कर में हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवान घंटों घंटों बर्बाद करते हैं टेलीविजन के सामने बैठकर, 8 घंटे क्रिकेट का मैच देखते हैं। और इस बार भी मैं एक चीज बहुत गहराई से महसूस करता रहा कि जब तक इंग्लैंड में भारत की टीम सुपर सिक्स में रही, तब तक हिंदुस्तान में कारगिल निधि के लिए एक भी रैली नहीं हुई किसी भी गांव में। आजादी बचाओ आंदोलन की 2-4 रैलियों को छोड़कर जो हम लोगों ने की थी, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हिंदुस्तान के किसी भी अखबार की कटिंग आपको बता नहीं सकती, जब तक हिंदुस्तान हारा नहीं सुपर सिक्स में, तब तक हिंदुस्तान में कहीं कारगिल निधि की कोई रैली नहीं हुई, कहीं हिंदुस्तान में खून देने वालों की लाइन नहीं लगी। जैसे ही हिंदुस्तान हारा और पता चला कि टीम वापस आ रही है झोली डंडा लेके, तब लोगों में भी कारगिल प्रेम पैदा हुआ, तब रैलियां होना शुरू हुई, खून देना शुरू हुआ। तो हमारी राष्ट्रभक्ति किससे जुड़ी हुई है, वो भी निखालित नहीं रह गई। और जब देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान फंसे हुए थे क्रिकेट के मैच में, तो हिंदुस्तान के जवान सीमा पर 1-1 इंच जमीन की रक्षा कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि अगर कहीं हमला उससे भी भयंकर होता और पूरी सीमा पर हमारे देश में हमला हो गया होता, तो हमारे तो करोड़ों लोग बैठकर टीवी ही देखते रहते और हिंदुस्तान को दुश्मन ने खलास कर दिया होता।